कोविड काल हम सब ने देखा, और उस काल से कोई भी अछूता नहीं रहा। ऐसे समय में आपने 4,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का क्रिमिनेशन कराया, और आपकी जो संस्था है शहीद भगत सिंह सेवा दल, उसके माध्यम से आपने लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड की, शव वाहन प्रोवाइड किए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत सर कहाँ से हुई? कोविड तो एक कहर था जी, इस समय को तो मुझे लगता है दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन हमने एकदम कोविड में काम शुरू नहीं किया। 95 में उन लोगों को मैंने देखा, एक पिता को देखा जो अपने बेटे की लाश को लेके शमशान घाट में बैठा है और दाह संस्कार के पैसे नहीं है। लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा के वो संस्कार करना चाह रहा था। आज से 27 साल पहले मैंने, मेरे दोस्तों ने देखा, हमने सोचा शायद चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा और उसके दर्द को सुना तो हम खुद अपने आप पे गिलानी करने लगे कि उस राष्ट्रीय राजधानी में जहाँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, उस दिल्ली के अंदर यार एक आदमी अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। तो हमने उसका संस्कार कराया और निश्चय किया कि हम अनक्लेम डेड बॉडी या गरीब लोगों के दाह संस्कार का बीड़ा उठाएंगे। शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी, एम्बुलेंस बनाई, शव वाहन बनाए और इस काम को शुरू कर दिया। और कोविड आने से पहले तक हम तकरीबन 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी कैरी कर चुके थे, 50,000 से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को नीड थी, ऐसा वो साधन ही नहीं था दिल्ली जैसे शहर में। कोई टेम्पू करता था, वो रेडी करता था। ईश्वर ने हमको शक्ति दी, एक एक करके हमने 12 डेड बॉडी वाली गाड़ी और एम्बुलेंस तैयार कर दी। ऐसी ही टीम जुड़ गई मेरे साथ, मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर। तो वो सब हम पहले तैयार हो चुके थे। डेड बॉडी मैनेजमेंट का हमें सिस्टम आता था। और इन बिटवीन 2016 में मेरा बेटा छोटा ज्योतजीत सिंह लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका और सहारा मिला। जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो प्रशासन की सारी निगाह मेरे पे आई कि यार शंटी के पास चलो, शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास तो बहुत एम्बुलेंसेस हैं, शव वाहन हैं, वॉरियर हैं, बॉडी मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो मेरे को सबने बुला के कहा, तो मेरे कुछ साथियों ने मना भी किया, ये तो मौत का मंजर है शंटी जी। मैंने कहा यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की, आज इतना भयानक समय आया है, हम फौजी की तरह सेवा कर रहे हैं बिना किसी सरकारी मदद के। और आज देश के ऊपर विपत्ता आई और फौजी घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा ना। बिल्कुल, ये परीक्षा की घड़ी आई है और हमको सेवा करनी है। और हम अपनी सारी एम्बुलेंस, शव वाहन, वॉरियर सब झोंक दिए जी उसमें। लेकिन जितेंद्र सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, हमने देखा घरों में भी एक दूसरे से कटे हुए रहते थे। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, डरते थे लोग आप अपने ही लोगों से, एक ही घर में, कमरे में दूर दूर होकर दूरियां बनाकर। आपको डर नहीं लगा कभी? शुरू शुरू में जब डर पैदा हुआ तो हम सबको कोविड हो गया पहले दौर में। मैं, मेरे बच्चे, मेरी मिसी सब बुरा हाल में, डेथ बेड पे था। मेरे ड्राइवर की डेथ हो गई एक, जो मेरे पास 27 साल से था। उससे मेरे ड्राइवर्स बाकी जो थे खौफ में आ गए, उनको मजबूत किया, मैंने समझाया। मैंने कहा देखो, सामने वाले दुश्मन ने हमारी फौज पे वार कर दिया और एक जवान शहीद हो गया, तो अब उनको पीछे भागना है या आगे बढ़ के मारना है उनको? तो उन्होंने कहा जी आगे बढ़ के मारना है। तो मैंने कहा डट जाओ सेवा करने के लिए, मौत आनी है तो घर पे भी आ जाएगी, सेवा करो। और हम डटे रहे, पीछे नहीं हटे। मेरी मिसिज ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे दोनों बेटों ने, मनीष ने, ज्योत ने साथ दिया, मेरे ड्राइवर्स ने, मेरे वॉरियर ने, मेरे मैनेजर ने, मतलब हटे ही नहीं पीछे एकदम से। और शमशान घाट में तो हम ऐसे पड़े रहे 40-42 दिन, तो मुझे निकलने का मौका ही नहीं मिला। मैं रात को भी वहीं अपनी एम्बुलेंस में सीट डाउन करके थोड़ा घंटा दो घंटा लेटता था, वो भी लोग आ जाते थे बेचारे कि हमारा जल्दी संस्कार करा दो। तो मैं समझता हूँ कि आप तो कह रहे ना कि अपने अपने कोई पास नहीं आए। बिल्कुल, हमने बहुत करीब से देखा, आप लोगों ने टीवी में देखा, वीडियो में देखा, सोशल मीडिया पे देखा। हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे कि जिन्होंने
ये बहाना करके कि मुझे बुखार है, कोविड है, हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप ले जाइए डेड बॉडी। लेकिन जब डेड बॉडी ले जाने लगते थे तो कहते थे जी हमें दर्शन करा दो, और दर्शन कराने के बहाने किसी ने अपने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए कागजों पे, वो कहर हमने आंखों से देखा। एक एक घर से चार चार डेड बॉडियाँ मिलाए उठा के, हम सुबह पिता की, शाम को माता की, अगले दिन भाई की, ऐसे। और जो गुरबानी में तथ्य लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे क्या धारा कामरी, हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष एकदम बिल्कुल, मतलब अकेला अकेला बच्चा अपने पिता की डेड बॉडी लेके आ रहा था, अकेला अकेला बच्चा माँ की लेके आ रहा था। तो वो हादसों को मैं तो भूल नहीं सकता, मैं तो अभी भी रात को कभी और सोते सोते याद आ जाता है तो मैं दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, क्योंकि मैंने हजारों हादसे, क्योंकि जब 4000 से ज़्यादा बॉडी क्रिमेट की है तो हजारों तो ऐसे थे जिनके साथ कोई नहीं था। तो इसलिए जैसे लोग 1947 में पार्टीशन नहीं भूलते हैं, बिल्कुल 1984 का कत्लेआम नहीं भूलते हैं, भोपाल गैस कांड नहीं भूलते हैं, तो कोविड को तो मुझे लगता है लोग 200 साल नहीं भूलेंगे। बिल्कुल,